नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। झारखंड में शिक्षकों की कमी होगी दूर। मुख्यमंत्री अगले महीने 9000 शिक्षकों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। झारखंड में अब शिक्षकों की कमी दूर हो जाएगी, इसके लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। विभागीय सचिव के रवि कुमार के अनुसार शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। शिक्षकों की नियुक्ति झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। उन्होंने बताया कि 2016 से चल रहे हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार चयनित शिक्षकों को अगले महीने खेलगांव में मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके तहत करीब 9000 शिक्षकों की नियुक्ति राज्य के विभिन्न जिला स्थित हाई स्कूलों में अलग अलग विषयों में होगी। खेलगांव में एक साथ 9000 शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिरकत करने वाले हैं। इसके अलावा राज्य सरकार के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। नियोजन नीति में बदलाव के बाद राज्य में बड़े पैमाने पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके तहत झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से राजकीय 2 स्कूलों में विभिन्न विषयों के शिक्षकों की कमी को देखते हुए 2137 पीजीटी शिक्षकों की सीधी भर्ती और 265 बैकलॉग रिक्तियों को भरा जाएगा। इसके अलावा स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लैब असिस्टेंट पदों के लिए भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके तहत 690 लैब असिस्टेंट राज्य में नियुक्त किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने कस्तूरबा विद्यालय और मॉडल स्कूलों में कॉन्ट्रैक्ट आधारित शिक्षकों को भी नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके जरिए कस्तूरबा स्कूलों में करीब 400 शिक्षकों की नियुक्ति होगी और मॉडल विद्यालयों में लगभग 2000 शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी है।